आज हम आपके लिए आए एक और पहेलियों से भरा हुआ वीडियो। आपको पता ही, देखो लास्ट वाले वीडियो में हम लोग जीते थे। मैं कब हो गया ये? मतलब हम दोनों। अच्छा, और ये लोग हरे थे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। फ्रेंड देखो, ध्वनि तो अभी छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची। और जीनी आ गई मेरे पास। हाँ। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे। छोटा पैकेट बड़ा भाई, छोटा पैकेट। फ्रेंड देखो, दिवाली तो चली गई है, अब आएगा क्रिसमस। तो ये देखते हैं छोटा धमाका, मतलब फूट पाता है या नहीं फूट पाता है। और जब तक हम वीडियो चालू कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड बटन को जल्दी से क्लिक करके ग्रे कर दो, और ग्रे है तो ग्रे ही रहने दो। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। चलिए चालू करें। तो अब देखते हैं कि टीम ए की पहली ऑप्शन आई है देने की, टीम बी की। रॉक पेपर सीजर कौन करेगा बच्चे? बच्चे रॉक पेपर सीजर तो कौन सा तीर मारा और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो हमारा कंट्रा अभी से भारी है। देखते हैं कौन। एक सेकंड, अभी उन्होंने आपने सही आंसर दिया ना, तो ही आपका पल्ला हमें भारी होगा। पल्ला हाँ। पल्ला वरना हम पल्ला ओढ़ के आपको भेजेंगे यहाँ से। तो चलो हम चालू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फलिस्तान के राजकुमार राहुल का बर्थडे है। एक बड़ा आलीशान केक उनके लिए लाया जाता है। क्या आप केक को देखकर बता सकते हैं कि राहुल कितने साल के हो गए हैं? जल्दी से सोचिए क्यूट सिस्टर फैमिली। अब इसकी बोलती बंद हो गई। तो 18 कैंडल यहाँ पे लगी हुई है, तो ये होगा 18 साल का। 18 साल का? श्योर। तो लेट्स सी द आंसर। केक में 18 कैंडल्स लगी हैं, मतलब राहुल 18 इयर्स के हो गए हैं। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा, राजकुमार के बर्थडे की खुशी में पूरे फालिस्तान में पटाखे फूट रहे हैं। तभी राजा राहुल से कहते हैं, बेटा इतने साल से मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन आज पूरे 18 साल पूरे हो गए हैं, तो मैं आज तुम्हें सच बताऊंगा। तुम्हारी माँ का नाम जैस्मिन था। वो बहुत खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी। जब जैस्मिन से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तब उसने मुझसे एक पहेली पूछी थी। पहेली है, ऐसा कौन सा फल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा होता है? ये फल इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। तो सोचिए क्यूट सिस्टर फैमिली, ये कौन सा फल है? बताओ बताओ ओ भाई, ओ बताओ बताओ। देखा जीनी, मतलब इनके पास तो कितना इजी आया है, इसे काउंट करके हो गया। ये वाली वीडियो ही चीटिंग कर रही है हमारे साथ। अच्छा, ये चीटिंग। मुझे पता है, इतनी लग रहा है जीनी। आप लॉजिकल सोचो, लॉजिकल आपको देखते थे जीनी ने लॉजिकल सोचा है। सबर का फल, सबर का फल बहुत मीठा होता है और वो जल्दी से मिलता भी नहीं है। बात तो सही है। देखते हैं, चलो तो लॉक कर दे ना। है ना? अभी फाइल तो पीछे हो गई है। हां, चलो चलो हम देखते हैं इसका आंसर। ये मेहनत का फल है। मेहनत का फल नहीं, वो सबर का फल ही हो गया। वो मेहनत का फल, सबर का फल। अपनी बातों से मेहनत करना, सबर का मतलब ये होता है कि बैठे बैठे भी हम मतलब बैठे बैठे भी हमें फल मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पे आपके -10 नहीं हुए, हमारे 0 हुए। हमने कोई पॉइंट नहीं बढ़ाए। ठीक है, चलो आपके 0 हो गए। अभी तक हम लीड कर रहे हैं ध्वनि।
नेक्स्ट प्रमोट होते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब उनका क्या कहते हैं पल्ला हल्का होगा और हमारा भारी होगा। और मैंने इसका जवाब दे दिया था। उसके बाद मेरी और जैस्मिन की शादी हो गई थी। ये बात काली दुनिया के शैतान गोगो को पता चल गई थी। वो भी जैस्मिन से शादी करना चाहता था, तो गोगो ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया था और जैस्मिन को एक शीशे की बोतल में कैद कर दिया था और वो शीशे की बोतल को किसी एक अनजान जगह पर छुपा दिया था। तब राजकुमार राहुल अपने पिता से कहता है, तो आपने कभी माँ को छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? तब वो कहते हैं, जहाँ तुम्हारी माँ को छुपाया है वहाँ तक पहुँचने के लिए 6 अलग अलग तरह की दुनिया को पार करना होगा। मैं तुम्हें महल में छोड़कर तुम्हारी माँ को बचाने के लिए निकल गया था और महल के सबसे पहले दरवाजे तक भी पहुँच गया था। दरवाजे के बाहर एक पहेली थी और वो थी, धूप से पहले वो पैदा होता है, छांव देखकर मुरझा जाता है, हवा से उसकी कभी नहीं बनती, हवा देखकर वो मर जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं ये क्या चीज है? सोचिए क्यूट सिस्टर फैमिली, सोचिए। धूप से वो पैदा हो जाता है, इनके पास भी आना डिफिकल्ट हो जाएगा। Born in sunlight and withers in shade. It doesn't like the wind as the wind is the cause of its death. मतलब जगता है सूरज में और तो बता रही है? नहीं मैं बस वो कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। वो जाता है shade में. It doesn't like the wind. मम्मी सोच रही है सनलाइट में जिंदा हो जाता है और डार्क में मुरझा जाता है। हवा उसको पसंद नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पास पास तुमसे ना हो पाएगा। तो फ्रेंड इनके कोई पॉइंट नहीं बढ़े, इनके अभी भी 10 है, हमारे 0 है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। पर शायद जो मुझे लगता है शैडो, शैडो सूरज में जगती है और शेड में बिल्कुल नहीं दिखती है, विंड में तो वो बिल्कुल नहीं दिखती है, तालुक ही नहीं होता है और विंड ही उसकी डेथ का कारण होता है, जो सच बात है। मेरे हिसाब से फ्लावर है। लेट्स सी, डिसाइड क्या पॉइंट होना मिलेगा हमें। इसका सही जवाब है पसीना। बेटा फ्लावर किसने बोला था? शैडो मैं बताता हूँ दोनों सही आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि जो फूल है वो सूर्य उदय से पहले भी खिल सकते हैं और कुछ फूल तो खिलते ही रात को बाद में चला, और शैडो का हवा से कुछ देना देना नहीं है, हवा चलती रहती है और शैडो वहीं की वहीं रहती है। अब हमारे अभी हमारे 10 होंगे, ये इसको लग रहा है और हम इसको करके दिखाएंगे। इसका जवाब राजा ने दे दिया था और वो जादुई दुनिया के अंदर भी चले गए थे, जहां उन्हें एक नक्शे का टुकड़ा मिल गया था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि राहुल की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो इसलिए वो अपनी खोज को रोकते हुए महल में वापस लौट आते हैं, जिससे वो राहुल का ख्याल रख सके। तब राहुल कहता है, पिताजी मैं इन 6 दुनिया को पार करूंगा और माँ को आजाद करके लाऊंगा। राजा राहुल को महल के तहखाने में लेकर जाता है, जहाँ एक संदूक रखा हुआ था, लेकिन संदूक लॉक्ड है। क्या संदूक को देखकर आप उसे खोलने का लॉक पता कर सकते हैं? क्यूट सिस्टर फैमिली, सोचिए और आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। फ्रेंड देखो, इसको हमने इतना मैथ पढ़ा है और ये मैथ की टॉपर है, मुझे उसका फायदा लग रहा है। फ्रेंड देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। तो नेक्स्ट की आंसर प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कोड मिल जाएगा। जैसे 2 इंटू 5 10 होता है, 3 इंटू 6 18 होता है, तो कोड के लिए 5 इंटू 8 हो जाएगा 40। हाँ, 10 प्लस 10 प्लस
फ्रेंड मम्मी वाला हमें हराने में लगी हुई थी, लेकिन अब हम 10 और हो गए फ्रेंड। तभी हम ये कहते हैं कि आपको ना बहकाने वाले लोग जगह जगह पे मिलेंगे, कदम कदम पे। आपको उनकी बात नहीं माननी, आपको अपने दिल की और दिमाग की सुननी है। ये भी ठीक है, हाँ, लेकिन बंदर इन दोनों को हम बनाएंगे। बुराना बोलो, ये देखो बंदर, ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट पे। मम्मी आपको देखना इस बार। राजा संदूक खोलते हैं तो उसमें से एक नक्शे का टुकड़ा बाहर निकलता है। राजा कहते हैं, ये उस नक्शे का पहला टुकड़ा है जिससे तुम अपनी माँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन बाकी 5 टुकड़े तुम्हें खुद ही ढूंढने होंगे। निकलने से पहले राजा एक जादुई तलवार राहुल को देते हैं। ये तलवार का नाम छू मंतर है। राजा राहुल से कहते हैं, अंधेरे में ये तुम्हें रोशनी देगी और तुम इस तलवार की मदद से गायब हो सकते हो, लेकिन इस तलवार का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार ही किया जा सकता है। राहुल तलवार लेता है और जंगल में निकल पड़ता है। राहुल पहली बार अकेला निकला था और थोड़ा डर भी रहा था। उसे प्यास लग रही थी और वो पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है। तालाब के पास बहुत सारे शैतान बंदर थे। वो राहुल के ऊपर कूदते हैं और उससे तलवार छीन लेते हैं, और फिर एक बंदर राहुल के पैरों को बांध देता है और उसे पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बंदर सब वापस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। राहुल बेचारा वहां फंस गया है, अब क्या करेगा राहुल। वहीं दूसरी तरफ रिया भी जादुई दुनिया की खोज में थी। जादुई दुनिया का नक्शा खजाने के पास भी लेके जाता है। रिया को अब तक उस नक्शे का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। रिया चलते चलते एक ब्रिज के सामने पहुंच जाती है। ब्रिज को पार करने के लिए स्टोन 3, 9, 2, 4, 5, 25 और फिर 6 पर रिया जंप कर लेती है। आगे रिया को 2 स्टोन दिख रहे थे, 36 और 32। अब रिया को सही स्टोन पर जंप करना है और ब्रिज को क्रॉस करना है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा स्टोन सही है, 36 या 32? सोचिए क्यूट सिस्टर फैमिली, सोचिए। अभी ये किस पे खड़ी है? किस पे? अभी ये 6 पे खड़ी है। 6 पे खड़ी है, लेकिन 36 पे करे या 32 पे करे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेरे हिसाब से 36 होगा। मेरे हिसाब से वो एक पर 32 पे रख ले, एक पर 36 पे रख ले। 32 फाइनल है। मम्मी को भी कर ले, तो दोनों पे रखेगी जब सब पे जंप किया है तो। एक ही पत्थर पे रख सकती है। एक ही पत्थर, 32 पहले बता दो क्यों। क्योंकि मैंने बोला मन कर रहा है 32 के लिए। अच्छा रुक बेटा, अप एंड डाउन चल रहे हैं ना, अप डाउन देन वो तो दोनों ही डाउन है। हां अब दोनों अप स्ट्रेट, अप डाउन 36 आएगा। 36 अब आपने अपना 36 बताया, अब मैं अपना आंसर बताऊं। इसमें स्क्वायर हो रहा है सबका। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसलिए 36 होगा। पहला नंबर है और फिर उसका स्क्वायर है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो रिया और ब्रेवो स्टोन 36 पर जंप करते हैं और ब्रिज को पार कर लेते हैं। मम्मी ने तुक्का मारा है। कमेंट करके बताओ कि मम्मी का लॉजिक ठीक था। ये इनके हुए 20, हमारे हुए 10, तो मूवी का तो नेक्स्ट पे। तभी वहां से खबरी उड़ता हुआ आता है और रिया को राहुल के बारे में बताता है। रिया तुरंत राहुल को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। शैतान बंदर रिया को राहुल के पास आने नहीं दे रहे थे। ब्रावो जोरों से भौंकता है तो सारे बंदर वहां से भाग जाते हैं। रिया राहुल को बचा लेती है। राहुल रिया को अपनी पूरी स्टोरी बताता है
और रिया राहुल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों साथ में जादुई दुनिया के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर राहुल के पिताजी ने ये नक्शे का टुकड़ा प्राप्त किया था। राहुल उस दरवाजे के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैं फालिस्तान का राजकुमार राहुल हूँ और मुझे दरवाजे के पार जाना है। तब वो दरवाजा कहता है, फालिस्तान के राजकुमार का जादुई दुनिया में स्वागत है। मैं तुम्हारी विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुआ, पर नियम के मुताबिक मेरी पहेली का जवाब दो। और दरवाजा एक पहेली पूछता है, वो कौन सा फल है जिसमें लाल डिब्बा और पीले खाने होते हैं और उसके अंदर मोती जैसे दाने होते हैं। क्यूट सिस्टर्स फैमिली, क्या आप सोच सकते हैं इस पहेली का जवाब? सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए। बाहर से रेड होता है, हाँ। पीले खाने होते हैं, पीले खाने होते हैं और मोती जैसे दाने होते हैं। पीले खाने होते हैं, पीले में से तो निकलता है वो। क्या बोला तूने? और क्या येलो ही तो होता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और पर्ल जैसे वो होते हैं ग्रेन्स। और कौन सा फल होता है ऐसा? सेब वेब तो होती नहीं ऐसी चीजें। नहीं नहीं, रेड रेड रेड। फ्रेंड अगर आपको आ गया ना अभी तक तो कमेंट कर लो। रेड बॉक्स ही तो हुआ अनार। उसके अंदर पहली तो ऐसी पूछी जाएगी ना। तो फ्रेंड हमारा आंसर है अनार और अभी ये 20 पे हम 10 पे, लेट्स सी। चलो देखते। राहुल कहता है, इस पहेली का जवाब अनार है। और दरवाजा खुल जाता है। फ्रेंड ये तो हमने 20 जीत लिए हैं और हमें बड़ा मजा आया। मम्मी ने कंफ्यूज करने की कोशिश करी कि अनार के अंदर येलो कहां जाता है। ड्रैगन फ्रूट लेकिन पिंक होता है ना, वैसे भी पिंक होता है। लेकिन वो अंदर से ग्रे निकलता है, व्हाइट या ग्रे निकलता है। वो ड्रैगन फ्रूट भी था और हम हो गए 20। और मम्मी ने लेकिन जो पिछला जवाब दिया ना वो इलॉजिकल था। इलॉजिकल था भी था, आंसर सही था। वाह, हां चलो कोई बात नहीं, मम्मी को पॉइंट दे दिया हमने फिर भी। अब मूव होते हैं हम नेक्स्ट पे। राहुल और रिया जादुई दुनिया के अंदर चले जाते हैं और उस नक्शे के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। वो नक्शा एक समुन्दर के किनारे पर खत्म हो जाता है। राहुल रिया से कहता है, लगता है अगली दुनिया समुन्दर के अंदर है, हमें नक्शे के अगले टुकड़े के लिए समुन्दर की दुनिया में जाना होगा। तभी समुन्दर के अंदर से जलपरी पानी के ऊपर आ जाती है और उन दोनों से कहती है, समुन्दर की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जलपरी हूँ और समुन्दर में आने जाने वाले हर प्राणी पर नजर रखती हूँ। तब रिया जलपरी से कहती है कि अगर हम समुन्दर में गए तो हम तो मर जाएंगे। तो जलपरी कहती है, ये जादुई दुनिया है जहाँ आप लोगों को कुछ नहीं होगा, पर आप लोगों को अंदर जाने से पहले मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। और जलपरी उनसे एक पहेली पूछती है, मेरे बच्चे काले हैं और लोग मुझे छोड़कर मेरे बच्चों को खाते हैं, तो क्यूट सिस्टर्स फैमिली क्या आप मेरी पहेली का जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ तो अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे बच्चे काले हैं और लोग मुझे छोड़। मैं हरा हूँ, मेरे बच्चे काले हैं। मैं हरा हूँ। अच्छा, I am green. My kids are black and people eat my kids except me. Why is it so? I am green. ऐसी कौन सी चीज़ है कि मैं green हूँ और उसके बच्चे काले हैं? क्या हो सकता है? पता नहीं, ये तो मेरे को भी नहीं आ रहा। आपको आ गया? क्या हो सकता है? मैं नहीं बताऊंगा। क्या हो सकता है? सोचो। पास नहीं हो सकता। ध्वनि को सोचने दो, 10 सेकंड तो दो उसे। अच्छा ध्वनि सोच। I am green, my kids are black and people eat me, my kids except me. मतलब कि people उस मम्मी को खाते हैं? नहीं, बच्चे को खाते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। सब्जी बस हवा निकल गई। हाँ जी भाई, बताओ जी क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर। मुझे पता है इसका आंसर। पास पास करो। पास तो फ्रेंड्स अगर आपको आ गया तो कमेंट करो, क्योंकि हम चारों को नहीं आया है। पता चल जाएगा कि आप भी हम जैसे।
रिया तो इसका जवाब तुरंत दे देती है। इसका जवाब है इलायची। फ्रेंड्स बताओ इसका जवाब है इलायची। ये बातें बताई नहीं जाती। प्यारी समझ गई। मम्मी ने गलत फ्रेंड करा दी। अब बारी है हमारी आंसर देने की, रिश्ते कराने की। तो जलपरी उन दोनों को समुन्दर के अंदर जाने देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। काली दुनिया का शैतान गोगो ये सब देख रहा था। वो काले पानी की मदद से किसी को भी देख सकता था। वो कहता है, मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से खोखो। शैतान गोगो अपने साथी धमाका सिंह के पास जाता है और कहता है, समुन्द्री दुनिया में जाकर जैस्मिन के बेटे राहुल और रिया दोनों को खत्म कर दो। धमाका सिंह समुद्री दुनिया में पहुँच जाता है। जैसे ही वो समुन्दर के अंदर जाने लगता है, वहाँ जलपरी आ जाती है और उससे कहती है, रुको, अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। और जलपरी धमाका सिंह से पहेली पूछती है। जल की वो है रानी, जीवन है उसका पानी, जल से बाहर नहीं आती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। तो क्यूट सिस्टर फैमिली, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या है? धमाका सिंह गोगो का बहुत ही समझदार और ताकतवर साथी था। वो इस पहेली का जवाब दे देता है, मछली। तो जलपरी धमाका सिंह को समुन्दर के अंदर जाने देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब हमारे की तो कौन हो गए? और इनके रह गए 20। तो हमारा पलरा जरा भारी है। हाय हाय, इतना सुकून। पलरा जरा भारी है। हम इनको पल्ला पल्ला करा के इनका पलरा थोड़ा सा धीरे करते हैं। अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट पे। उधर राहुल और रिया समुन्दरी दुनिया में नक्शे का टुकड़ा ढूंढ रहे थे। वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां रंग बिरंगी मछलियां थी और सामने गुफा थी। वो लोग गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा का दरवाजा एक लॉजिक से बंद था। गुफा के ऊपर 4 बटन दिए हुए हैं। अब उनमें से एक बटन ऑड वन आउट है, जिसको प्रेस करके डोर ओपन होगा। क्यूट सिस्टर्स फैमिली, क्या आप सोच सकते हैं इनमें से कौन सा बटन ऑड वन आउट है? सोचिए और जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। मछली को छोड़कर बाकी तीनों प्राणी मेंढक, सांप और कछुआ तीनों जल के बाहर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं। देखो फ्रेंड, देखो ध्वनि का तुक्का भी लगने वाला है। जैसे मम्मी ने तुक्का लगा था कि मम्मी की बात ध्वनि नहीं मानी। तो कई सारे चैलेंज आप हमारे देख रहे हो जिसमें मम्मी ध्वनि की वजह से मतलब जीतती है और ध्वनि की ना बात मानने के लिए हार जाती है। सही पकड़े हैं। और आज फिर से वही हुआ, इनके 20 रह गए हैं, हमारे 30। मजा आ रहा है ना, लाइक कर दो। लेकिन मछली सिर्फ जल के अंदर ही रह सकती है, मतलब ये ऑड वन आउट ही है। राहुल सही बटन को प्रेस कर देता है तो गुफा का डोर ओपन हो जाता है और दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा गुफा के अंदर और क्या धमाका सिंह दोनों को रोक लेगा? क्या दोनों नक्शे को ढूंढ पाएंगे? देखते हैं अगले एपिसोड में। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी टीम ने कर लिया है विन। और इन्होंने मतलब ध्वनि की बात ना मानने की वजह से ये लोग हो गए लूजर। बात तो यही, इन्होंने अपना दिमाग लगाया, ध्वनि का यूज कर दिया। फ्रेंड अगर आपको ये ध्वनि की बात समझ में आई तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।